हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलनों के बारे में बताएंगे, जो कि जिसकी समय सीमा 6वीं ईसा पूर्व से 4थी ईसा पूर्व तक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। बौद्ध संगीतियों चार आयोजकों का सही क्रम है: अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। बौद्ध ग्रंथ पिटको की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? भगवतानी। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत भाषा व अर्धमागधी में लिपि में। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय में प्रचलन हुआ उसका नाम है महायान। दिलवाड़ा ने जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों या सौलकियों ने। चालुक्यों की को ही सौलकियों कहते हैं। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। बौद्ध धर्म को भारत के में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल शासकों ने। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हम आपको बता रहे हैं कहाँ गया। गुजरात के जी, बंगाल के पाल शासकों वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। ठीक है, तो आगे और हम बता दें। सारनाथ ने बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्य वंश के शासकों ने। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। बौद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई? बूढ़ा, रोगी, लाश, संन्यासी। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों का विभाजित हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। बौद्ध धर्म का मूलाधार है चार आर्य सत्य। बौद्ध चरित्र जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है, रचनाकार हैं अश्वघोष। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टता दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? कनिष्क। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? मैत्रेय। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? केवल। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडा ग्राम में। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता है हेमचंद्र। कश्मीर के कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थांकरों का उल्लेख मिलता है? अरिष्टनेमी और ऋषभदेव। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था नालंदा। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र। मिलिंद पनहु मिलिंद की प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में थे? तो ये जो मिलिंद के प्रश्न थे वो नागसेन और राजा मिलिंद के बीच संवाद के थे। भारत के सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। बौद्ध गया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक द्वारा। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। त्रिपिटक धर्म का ग्रंथ है बौद्धों का। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी ने। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के। सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। महावीर का मूल नाम क्या है? वर्धमान महावीर। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध
को ज्ञान प्राप्त की प्राप्ति कहाँ हुई हुई थी? गया में। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ने किस स्थान पर महानिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनारा या कुशीनगर में। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के शासनकाल में। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय हैं नालंदा विश्वविद्यालय। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? ज्ञात्रिकत्रिक। महावीर की माता का क्या नाम था? त्रिशला। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? पाली भाषा का। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। महान धार्मिक घटना मस्ताकाभिषेक किसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगले वीडियो देखने के लिए ऐसे ही हिस्ट्री से रिलेटेड तथा जीएस सभी विषय से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।